गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये टॉपिक जो है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट टू दी होलोग्राफी। क्या डिफरेंस है बिटवीन दी फोटोग्राफी एंड होलोग्राफी। और जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये कुछ होलोग्राम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इन होलोग्राम्स में क्या इन्फॉर्मेशन छिपी है और क्या डिफरेंस है कि जो आप एक सिंपल फोटोग्राफ देखते हैं, फोटो का नेगेटिव देखते हैं या फिर फोटोग्राफ देखते हैं या फिर होलोग्राम देखते हैं, तो होलोग्राम और फोटोग्राफ में क्या डिफरेंस है। तो इसी टॉपिक में हम इस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। तो इस मेथड में एक्चुअली होलोग्राफी में क्या है कि हम लोग जो थ्री डायमेंशनल पिक्चर है उसको थ्री डायमेंशनल व्यू में ही देखते हैं। वाइल इन फोटोग्राफ क्या है कि फोटोग्राफी में हम जो थ्री डायमेंशनल पिक्चर है उसको टू डायमेंशनल वे में देखते हैं। और इस पर्टिकुलर जो फिनोमिना है, जो होलोग्राफी है, इसको सबसे पहले जो है डेवलप किया था डेनिस गेबर ने इन 1948 के आसपास। और तब तक एक्चुअली लेजर जो है मोनोक्रोमेटिक सोर्स जो है वो डेवलप नहीं हो पाया था। तो ये जो होलोग्राफी है उस सेंस में डेवलप नहीं हो पाई। लेकिन व्हेन आफ्टर 1960 ये लेजर को इन्वेंट किया गया और उसके बाद इस फील्ड के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, राइट। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फोटोग्राफ्ड बाय ए कैमरा, यू नो दैट ओनली टू डायमेंशनल इमेज ऑफ द थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड। इसका मतलब ये है कि भाई आपके पास में जो है केवल टू डायमेंशनल पिक्चर ही रहेगा उसका। अगर यहाँ पे कोई आपने 3D पिक्चर है तो 3D का मतलब यह है कि अभी उसका थ्री डायमेंशनल जो व्यू है वो देख सकते हैं, लेकिन जब हम फोटोग्राफी यूज करते हैं तो वी सी ओनली टू डायमेंशनल, राइट। तो वो भी टू डायमेंशनल में क्या है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, राइट, जो हम लोग देखते हैं, तो यहाँ इस पॉइंट पर ये जो आप फेस देख पा रहे हैं या ये ब्लैक एंड वाइट के केस में क्या था कि ब्लैक एंड वाइट केस में आप पहले जल्दी समझ जाएंगे कि जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन था, कहीं वो वाइट है कहीं ब्लैक है, राइट। तो वो एक्चुअली जो है वो हम लोग फोटोग्राफी में ही यू देख सकते हैं। फोटोग्राफी में इसलिए देख सकते हैं क्योंकि वहाँ केवल एम्पलीट्यूड का रोल है, राइट। तो यू नो दैट रिलेशन बिटवीन दी एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी। सो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ओनली, राइट। यहाँ आपने ये फोटोग्राफी ये कैमरा यूज किया, वहाँ से लाइट ये चला और ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके वापस फोटोग्राफिक प्लेट पे वो जो है आप एब्जॉर्ब करता है। तो उसकी उसके उस जो भी वो इंटेंसिटी वहाँ से एब्जॉर्ब किया है, राइट, फोटोग्राफिक प्लेट ने, तो उसी चीज़ के थ्रू हम लोग वो फोटोग्राफ देखते थे। लेकिन यहाँ जो आपका होलोग्राफी है, होलोग्राफी में क्या है कि फेस भी इंक्लूड हुआ है, राइट। फेस का मतलब ये है कि अगर कोई वेव यहाँ से चलती है तो वो किस फेस में है, राइट, और इस बैक साइड से थोड़ा पीछे की साइड से अगर चलती है तो उसका फेस कितना है। तो इन एडिशन टू द एम्पलीट्यूड फेस भी इंक्लूड हुआ है। तो जब फेस इंक्लूड हो चुका है तो वहाँ वो ऑब्जेक्ट या जो पॉइंट है वो उसी वे में दिखाई पड़ेगा जिस वे में वो है। लेकिन एक चीज़ यहाँ और मैं आपको बता दूँ कि जो होलोग्राफी है उसमें इंटरफेरेंस जो है वो मैटर करता है। तो सिंपल वे में कहें तो ये कन्वेंशनल जो है टू डायमेंशनल फोटोग्राफी जो है वो कन्वेंशनल टू डायमेंशनल पिक्चर है और होलोग्राफी जो है वो थ्री डायमेंशनल पिक्चर है। तो यहाँ इनके कुछ पॉइंट के हम देखते हैं कि उनके क्या डिफरेंसेस हैं। तो टू डायमेंशनल इमेज ऑफ ए थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, वाइल इन होलोग्राफी वी ऑब्टेन थ्री डायमेंशनल इमेज ऑफ द थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। क्वालिटी ऑफ डेप्थ इज मिसिंग, इट प्रोवाइड्स डेप्थ परसेप्शन आल्सो। थर्ड पॉइंट इज ईच रीजन कंटेन्स सेपरेट एंड इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, ईच रीजन कंटेन्स सेपरेट एंड इंडिविजुअल पार्ट। अगर आपके पास में ये फोटोग्राफ है, इस फोटोग्राफ में ये जो कोई है पर्सन,
इसकी तस्वीर है, और यहाँ पे एक स्मॉल सेगमेंट है, वहाँ पे कुछ चीज़ आपको दिखाई पड़ रही है। तो अगर फोटोग्राफी आपने यूज की है तो फोटोग्राफी में आप इस पार्ट को कट कर देंगे तो उसका वो हिस्सा जो है वो परमानेंटली जो है वो रिमूव हो जाएगा, राइट। ईच रीजन कंटेन सेपरेट एंड इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। तो जो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी वो फिर आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। लेकिन होलोग्राफी में क्या है कि अगर आप इस चीज़ को रिमूव कर देते हैं, राइट, तो अब इस पार्ट के थ्रू भी आप पूरा का पूरा पिक्चर को उसी वे में देख सकते हैं जैसे कि उसको यूज किया था, जैसे कि वो वहाँ पर अवेलेबल थी, जैसे कि उस इंफॉर्मेशन को वहाँ पे कलेक्ट किया था। ये बात समझ में आई होगी आपको कि फोटोग्राफी में अगर आप एक सेक्शन को रिमूव कर देते हैं तो वो जो सेक्शन है वो परमानेंटली रिमूव हो जाता है, लेकिन होलोग्राफी में ऐसा नहीं है। ईच पार्ट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटायर ऑब्जेक्ट। इन कन्वेंशनल फोटोग्राफी रेडिएटेड एनर्जी इज रिकॉर्डेड एंड फेस रिलेशनशिप ऑफ वे अराइविंग फ्रॉम डिफरेंट डिस्टेंसेज एंड डायरेक्शन इज लॉस्ट। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड डिफरेंस अमंग द फोटोग्राफी एंड होलोग्राफी। यहाँ क्या है कि फेस की जो रिलेशनशिप है वो भी इंक्लूड की गई है, और इसको जो है इंटरफेरेंस के थ्रू जो है यूज किया हुआ है। इंटरफेरेंस क्या है कि टू और मोर देन टू जो वेव्स हैं उनका जब सुपर इपोजिशन होगा तो वहाँ वो इंटरफेरेंस पैटर्न डेवलप करेंगे, मतलब कि कहीं इंटेंसिटी ज़्यादा होगी कहीं इंटेंसिटी कम होगी, लाइक दैट। और वो जो इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है इन इंटरफेरेंस वो एक्चुअली उस चीज़ को डिफाइन करता है। ऑर्डिनरी लाइट कैन बी यूज फॉर रिकॉर्डिंग। फोटोग्राफी में क्या है कि हम लोग बल्ब या इस तरीके की नॉर्मल लाइट यूज कर सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ केवल लेजर लाइट मोनोक्रोमेटिक सोर्स की ही रिक्वायरमेंट है। इट इज़ बेस्ड ऑन लेंस सिस्टम और इट इज़ ए लेंस लेस सिस्टम। यहाँ जैसे कि बोल रहे हैं कि 6x9mm फोटोग्राफी जो है कैन होल्ड वन प्रिंटेड पेज ओनली, राइट। ये 6x9 square millimeter फोटोग्राफ है वो होल्ड कर सकता है एक ही। आपने यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है आपने उसी की फोटोग्राफी की तो वो ही अवेलेबल होगा उस उतने एरिया के अंदर। लेकिन होलोग्राफी में ऐसा नहीं है, इसमें देर आर नंबर ऑफ इमेजेस जो है, नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन है वो आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो 6x9 square millimeter होलोग्राम कैन स्टोर अप टू 300 पेजेस। मतलब जैसे कि पहली पिक्चर में आप देख पा रहे थे वहाँ हम लोग एक ही होलोग्राम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन देख पाते हैं। हाउ होलोग्राम वर्क्स, क्या बेसिक सेटअप है? तो उसके लिए क्या है कि ये एक लेजर है, लेजर सोर्स यहाँ पर रखा हुआ है। लेजर सोर्स से जो मोनोक्रोमेटिक लाइट आई है उसको एक्चुअली टू सेगमेंट में डिवाइड कर दिया है, राइट। तो ये प्लेट इस टाइप से रखा हुआ है कि कुछ पार्ट इसका जो है ट्रांसमिट हो जाए और कुछ पार्ट जो है इसका इस पर्टिकुलर एंगल पर जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाए। यहाँ एक ये लेंस के थ्रू जो है इसको फोकस किया हुआ है, ये मिरर के थ्रू फिर इसको रिफ्लेक्ट किया हुआ है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे। यहाँ ऑब्जेक्ट है तो जो पार्ट इसका था लेजर बीम का उसको हम लोगों ने डिवाइड किया और उससे जो है लाइट जो है यहाँ इंसिडेंट हुआ और उसके बाद वो जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है वो रिफ्लेक्ट होगी। तो ये रिफ्लेक्टेड यहाँ आप जो देख रहे हैं लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, और इस लाइट को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट बीम। दूसरा जो ट्रांसमिटेड लाइट आया था वो इस मिरर के थ्रू यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ है और यहाँ इन दो के बीच में जो है इंटरफेरेंस होगा। ये जो दो लाइन है, एक लाइन ये ऑब्जेक्ट और दूसरी ये रिफरेंस, इन दो के बीच में क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा और उसके थ्रू आपका यहाँ जो पैटर्न डेवलप होगा उसमें जो है फेस का जो है रोल इंक्लूड हो जाएगा इन एडिशन टू दी जो इंटेंसिटी है, राइट। तो इस तरीके से तो ये आपका होलोग्राम जो है डेवलप होता है। अब ये सिंपल पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं एक मिरर है और उस मिरर से जो है पार्ट, और ये लेजर बीम है टोटल ओवरऑल, और यहाँ पर कुछ पार्ट जो है उसका लेजर बीम का ये थ्री लाइंस जो है मिरर पे इंसिडेंट हुआ और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, राइट।
और दूसरा पार्ट जो है लेजर का, ये है वो डायरेक्ट जो है ऑब्जेक्ट को हिट करता है, ऑब्जेक्ट से जो रिफ्लेक्ट होगी लाइट वो इस होलोग्राम पे यहाँ पे आपका स्टोर हो जाएगा, राइट। ये यहाँ पे जो लाइट है वो कलेक्ट हो जाएगी इस सेगमेंट में जो होलोग्राम है, राइट। होलोग्राम पे आप एक ये जो डायरेक्ट लाइट आई है ये, और जो दूसरी लाइट आई है उसी सोर्स से वो यहाँ, तो इनके बीच में इंटरफेरेंस होगा और उसके थ्रू इसकी जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो यहाँ पे डेवलप हो जाएगी। अब दो पार्ट हैं इसके, कंस्ट्रक्शन है और एक रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस है। एक कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में आपने देख लिया है कि होलोग्राम जो है वो किस तरीके से क्रिएट करते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये है कि होलोग्राम के थ्रू आप किस तरीके से उस इमेज को रीड करते हैं, तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ दी इमेज। तो यहाँ ये आपका होलोग्राम है अब, और ये लेजर लाइट यहाँ पे फॉल करते हैं, तो अब ये जो इसकी इमेज है और इस ऑब्जेक्ट की वो इसी वे में आपको दिखाई पड़ेगी लेजर बीम के हेल्प के थ्रू। होलोग्राफी के एप्लीकेशन क्या हैं? इन इंफॉर्मेशन स्टोरेज इन कंप्यूटर्स, इन होलोग्राफिक सिनेमा, इन डाटा प्रोसेसिंग। होलोग्राम कैन बी यूज एज एन ऑप्टिकल ग्रेटिंग एंड इन इन इंफॉर्मेशन कोडिंग, इन पैटर्न रिकॉग्निशन एंड देर आर मैनी मोर। ऑप्टिकल ग्रेटिंग समझते हैं आप, जो ग्रेटिंग है एक्चुअली उसमें क्या है कि देर आर सेवरल लाइन्स, और ये जो लाइन्स हैं एक्चुअली जहाँ मैं डॉट अभी ड्रा कर रहा हूँ ये इक्वलेंट टू ग्रेटिंग है, जिसको एक सिंगल स्लिट बोलते हैं, राइट। तो होलोग्राम जो है उसको ऑप्टिकल ग्रेटिंग के जैसे यूज कर सकते हैं। और यहाँ एक इन्फॉर्मेशन मैं और बता दूँ, जब ग्रेटिंग की और डायफ्रेक्शन की ग्रेटिंग की बात होगी तो डायफ्रेक्शन भी होगा, ये कोई सिंगल स्लिट है और इससे आप जो है लाइट यहाँ से भेजते हैं, राइट, तो वो लाइट जो है वो डायफ्रेक्ट हो जाती है, राइट। यहाँ सेंट्रल पार्ट होगा, फिर एक फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इस तरीके से आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, उसके बाद में इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, राइट। तो ये डाइफ्रेक्शन है, और ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं ये एक्चुअली जो डाइफ्रेक्टेड वेव्स हैं उनका इंटरफेरेंस हुआ था, और उसके बाद उसका ये रिजल्ट आप इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में देखते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।